50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हो चुका है देश में, जिसके बाद बिहार में भारी बवाल शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। 2015 में बिहार के आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 करोड़ के पैकेज की बात कही थी। जरा आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को पैकेज देने की घोषणा कर रहे थे। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी उसके पहले मैं चुनाव में आया था, दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जब आप मैं खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी, 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1,25,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैकेज की घोषणा कर रहे थे बिहार के विकास के लिए। उसके बाद से आज 20,00,000 करोड़ के पैकेज के बाद बिहार में बवाल जारी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट किया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं इस पैकेज पर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है, मोदी जी बिहार के पैकेज के महत्व को जानते हैं, अब कोई यकीन नहीं करता, यहां तक कि आपके सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे इस पैकेज को लेकर के, और अब राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रहे हैं कि खुद नीतीश कुमार, जो कि आपके सहयोगी दल के नेता हैं, वो भी यकीन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई पैकेज देते हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है, क्या बिहार को इस बार पैकेज
नसीब होगा या फिर नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।